ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਿਏ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਲੋਕ ਉਸਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਜੀ तो जो सवाल पूछ रहा है उसकी जिम्मेदारी भैया कि हमारी लुक कहाँ होगी। देखा आपके सामने ही कोई खड़ा है। मैं थोड़ा सा अंदर विक्रम सर, सबसे पहले जो जॉनर है वो सब जानते हैं कि हॉरर है, लेकिन मैंने इसमें लव स्टोरी भी देखी, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है। और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं, तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। मैंने कहा हॉरर मुझे नहीं आता, अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस मैं तो हॉरर में मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं, तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी है। टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं, ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर है। सर आपका और भट्ट साहब का जो कोलैबोरेशन है कई सालों से चला रहा है सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में और इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? देखिए मैं कितना भी डायरेक्ट करूँ, अभी आज 1992 में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज 2022 है, 30 साल से मैं पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जब भट्ट साहब का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पे तो मैं उनके असिस्टेंट बन जाता हूँ। वो माइंड ऐसे बोलते हैं अरे बॉस का, और मुझे ऐसा लगता है कि डांट पड़ जाता है। तो देखिए मैं अब 50 साल का हो गया, मेरे फादर जो हैं वो 85 साल के हैं, लेकिन उनके लिए तो मैं बेटा ही हूँ, तो भट्ट साहब के लिए मैं हमेशा उनका असिस्टेंट ही हूँ। वो मुझे असिस्टेंट नहीं समझते, वो मुझे डायरेक्टर समझते हैं, पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए असिस्टेंट ही हूँ, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। सर टीज़र देखने के बाद क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने देखा टीज़र या सर अगर उस बारे में कुछ बताया, उनका फर्स्ट रिएक्शन के बारे में जानना चाहिए। भट्ट साहब का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि बड़ा ऑनेस्ट होता है, या उनको पसंद आता है या उन बोलते के बकवास है। तो पहला जो टीज़र आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये क्या है, ये तो पिक्चर भी नहीं है। फिर हमने उनको बैठ के समझाया कि बॉस देखिए बहुत सी चीज़ें होती है हॉरर फिल्म में जो हम रिवील नहीं कर सकते, कि हाँ मत करो रिवील लेकिन प्रोडक्ट तो अच्छा बनाओ। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास बंटी, बेस्ट प्रोमो बनाता है, फिर हमने बैठ के एक प्रोमो बनाया जो उनको अच्छा लगा। करिश्मा जी आपसे जानना चाहूँगा के सिरा सिरा का जो कोलैबोरेशन है सर के साथ, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया और क्या खास बात थी जो आप लोगों ने जुड़ने का फैसला किया? सो के सिरा सिरा एक्चुअली इट हैज़ नोन फॉर मेकिंग फिल्म्स जो हमेशा से कोई जर्नर स्पेसिफिक नहीं रही है। सो वी हैव मेड हॉरर फिल्म्स, वी हैव मेड कॉमेडी, वी मेड पॉलिटिकल, बट वी वर मोर फोकसिंग ऑन द थिएटर साइड ऑफ इट, कि हम थिएटर्स लॉन्च कर रहे थे अक्रॉस इंडिया, एंड देन वी मेट सर, एंड वी एक्चुअली मेट सर फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड वेन वी मेट सर वी गॉट दिस एंटायर आइडिया ऑफ द फिल्म मेकिंग, द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ द अपकमिंग फिल्म ही इज़ हैविंग करेंटली। सो सर इज़ अ लेजेंड इन द इंडस्ट्री, एवरीबडी नोज अबाउट दैट ऑलरेडी। सो मतलब अगर आप ये बोलो तो इंडस्ट्री में अगर हॉरर और रोमांस कोई लेके आया सो दैट इज़ सर, इनके अलावा देर इज़ नो बडी हुज़ इवन टच दैट पॉइंट। सो सिंस वी हैड मेड हॉरर फिल्म इन द पास्ट एंड वी वॉन्टेड टू डू समथिंग सिमिलर, बिकॉज आजकल अगर आप फिल्म देखोगे सो देर आर लॉट ऑफ हॉरर कॉमेडीज, देर आर लॉट ऑफ
सच कॉमेडी एलिमेंट्स जो हॉरर में वो लोग डाल रहे हैं, बट देयर वाज नथिंग लाइक व्हाट दे हैव मेड इन द पास्ट. सो व्हेन वी कोलैबोरेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, वी वर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद जुदा हो के वी एंड ऑल द अपकमिंग फिल्म्स. सो दिस वाज एन ऑनर दैट यू नो ये कोलैबोरेशन हुआ विद केसर सरा एंड विक्रम भट्ट सर. विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट देखिए सर, जैसे करिश्मा जी ने बोला है, सर डेफिनेटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सर लेजेंड है. और जैसे सब लोग बोलते हैं और कि अरे विक्रम सर हैं तो हॉरर होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो सर नहीं कर सकते. आवारा पागल दीवाना सर ने किया था, जो अभी तक की बेस्ट कॉमेडी पिक्चर है. आज भी हम देखते तो हमें सब लोग हंसते हैं. तो ऐसा कोई जॉनर नहीं है जहाँ पे सर अगर इन्वॉल्व है और वो चीज़ें उसका रिजल्ट वो जिस जो जॉनर है वहाँ से वो निकाल देते हैं. इस मूवी का भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह से सर ने किया है और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे को शर्म आती है अपने ऊपर. सर जितना काम करते हैं उसका 5% भी मैं नहीं करता हूँ और 24 घंटे जब भी देखो बिजी रहते हैं काम में, करते रहते. तो यूथ के लिए, हम सब के लिए भी है कि जो भी फिल्म मेकर है और फिल्म लाइन में, तो बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन, जुनून, पागलपन चाहिए. मैंने सर में देखा है कि वो दिन रात बिल्कुल ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर देते हैं वैसे हर प्रोजेक्ट में वो लगे रहते हैं अपना एग्ज़ाम देने में. तो हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान की बात है कि सर हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें साथ में. विक्रम सर, आपसे जानना चाहूँगा, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, आपने सिनेमा बहुत बदलते हुए देखा है. अब जो दौर आया है KGF, RRR जैसे सिनेमाओं की बात करें, लास्ट लाइफ सिनेमा जो बन रहा है, सर एज अ डायरेक्टर क्या क्या सोचते हैं आप इस तरह के सिनेमा के बारे में? इस सवाल का जवाब जो है एक मैं कुछ एक मिनट आपका माइक ठीक से लगाएं इस तरफ है कुछ आप चुपचाप आके टपक के निकल लिए. क्वेश्चन का पूरा रिदम. हाँ, तो क्या सवाल था सर? सवाल ये था कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, के सिनेमा को बदलते हुए देखा है, पर अभी का जो दौर चल रहा है KGF, RRR, बाहुबली जैसी फिल्म बन रही है इंडस्ट्री में, इस दौर को कैसे देखते हैं सर एज अ डायरेक्टर? ये सवाल का जवाब देने के लिए, जो आपका सवाल है कि जो सिनेमा का जो दौर बदलता जाता है और अब ये जो दौर है उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ 6-7 साल पहले ये बदलाव जो है वो पहले हॉलीवुड में शुरू हुआ. सुपर हीरो फिल्म आने लगी, बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्वामैन, हर तरह का मैन हमको देखने मिला. अब ये जो एवेंजर्स और कितने ऐसे आगे गए, तो इसमें ये हुआ कि जो पहले हॉलीवुड की फिल्म्स बॉम्ब इंडिया आती थी, हम देखते थे ऑस्कर विनिंग, वो आना बंद हो गई. कभी ये सब एक मैन, दूसरा मैन, लेकिन अगर गौर करें तो ये सब सुपर हीरो. अब धीरे धीरे कोविड के बाद क्या हुआ कि यहाँ भी सुपर हीरो फिल्म चलने लगी. अगर आप देखें तो KGF, RRR, पुष्पा, ये सब सुपर हीरो फिल्म है, लेकिन इंडियन सुपर हीरो, मतलब जो हम 80s में देखते थे, जो अमिताभ बच्चन जी की फिल्में होती थी, वो सुपर हीरो फिल्में होती थी. जब मैं पुष्पा देखता हूँ तो मुझे उसमें अमित जी दिखते हैं. मैं तो उनका फ़ैन हूँ, तो बहुत बार मुझे बहुत जगह पे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये तो टिपिकल अमिताभ बच्चन फिल्म है, तेवर वही है, एटीट्यूड वही है, सब कुछ वही है. एक मिनट साइलेंस, साइलेंस भाई, एक मिनट यार.
तेवर वही है, तो ये एक ये भी आर्गुमेंट चली थी नॉर्थ वर्सेस साउथ और नॉर्थ फिल्म साउथ फिल्म। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सुपर हीरो फिल्में चल रही हैं, मास फिल्में चल रही हैं, और मास फिल्में कब चलती हैं, जब जब लोगों में एक आक्रोश, एक गुस्सा, और वो गुस्सा बाहर लाने के लिए सुपर हीरो फिल्म काम करती हैं, क्योंकि वो सुपर हीरो जो है वो काम करता है जो आप नहीं कर सकते। तो आज का दौर जो है वो हमने बहुत साल पिक्चरें बनाई NRI ऑडियंस के लिए, वो हमारी ऑडियंस नहीं है। हमारी ऑडियंस हार्टलैंड की ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस वो है जो हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, हिंदी लिखती है। हमें वो फाइव स्टार कल्चर की फिल्में हम बनाते नहीं हैं, और खुशकिस्मती से अब दौर वही है कि एक्चुअल फिल्म देखने वाले फिर से आ गए हैं और उनके पसंद की फिल्में चल रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात। सर, बॉलीवुड में भी एक बड़ी कोशिश हो रही है, ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की, सर क्या कहना चाहेंगे, ट्रेलर देखा आपने फिल्म का? हाँ देखा है मैंने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। ट्रेलर से किसी फिल्म के बारे में बोलना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये समझ में आता है कि एक लड़का है जिसके पास कोई ताकत है और उसके पास ये ब्रह्मास्त्र है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि मतलब उन्होंने कोई फॉरेन वेपन का नाम नहीं लिया, ये नहीं है कि पिक्चर का नाम AK-47 नहीं है या बजूका नहीं है, पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र जो हर इंडियन जानता है कि ब्रह्मा की ताकत से बना हुआ ये अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र है, हिंदुस्तानी पिक्चर है, और मेरा ये मानना है कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी और बहुत चलेगी। सर, कमिंग बैक टू दिस फिल्म, जो है आपकी फिल्मों में हमने देखा कि म्यूजिक एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है जब लोगों तक पहुंचने के लिए, सर इस फिल्म का म्यूजिक भी कुछ इसी तरह का लग रहा है, अगर थोड़ा सा अगर म्यूजिक के बारे में बताएं इस फिल्म के। इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो एक नए गीत संगीतकार हैं, उनका नाम है पुनीत दीक्षित। तो पुनीत जो है वो हमारी ऑफिस आया करते थे भट्ट साहब से मिलने, और मेरी ऑफिस में ऐसा है कि मैं एक साइड बैठता हूँ, भट्ट साहब दूसरी साइड बैठते हैं, और बीच में कांच की दीवार है, तो अगर आवाज़ ऊँची हो तो सुनाई देती है। तो ये गाना जो है वो मुझे सुनाई दे रहा था, और एक्चुअली वो मेरी बेटी के फिल्म के लिए आए थे और मैंने अपनी बेटी के फिल्म के गाने चुरा लिए। सही मानो में तो मैं बड़ा बुरा बाप हूँ, लेकिन करेक्टर अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ हीरा है, तो मैंने अपनी बेटी को कन्विंस किया। मैंने बोला बेटे देख, तेरी पिक्चर तो बन नहीं रही है, ये भी तो तेरी पिक्चर है ना, तेरे बाप की पिक्चर है। पिक्चर में हाँ पापा यू टेक द म्यूजिक, तो मैं वाला भाई ला जल्दी दे, भूखे किसी भूखे इंसान जो खाना खाता है ना, अभी इस तरह मैं पूरा निकल गया, मैं सारे गीत, तो ये गानी है इस पिक्चर के संगीत। सर, फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कोई मैसेज आप लोग अगर शेयर करना चाहेंगे कि क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है? ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर वशीकरण पे बनी, और ये कोई जानता नहीं। मैं आपको एक सच बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरी एक दोस्त कुछ अरसे पहले एक बहुत ही दुखदार पेनफुल रिश्ते से दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लड़का था उसे बहुत परेशान करता था, और उसे ये शक था कि कुछ काला जादू, कुछ मैली विद्या दी जा रही है उसको। तुम और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम लोग एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए, जिन्होंने हमको इस वशीकरण के बारे में बताया कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये सब होता है क्या, एक्चुअली होता है? मैंने कहा होता है। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, भाई भूतों में तो मुझे रुचि है ही, तो मैंने कहा कि किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं आपके पास?
तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं मगर 90% केस जो आते हैं वो लड़कियों के बारे में आते हैं और सेक्स के बारे में, कि मुझे वो लड़की चाहिए या मुझे ये लड़की चाहिए, या वो लड़का मेरे तरफ नहीं देख रहा और मुझे इसके साथ सोना है या उसके साथ सोना है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, बस यही बात। तो इसमें से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसा हो कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपसे प्यार करने के बावजूद किसी के वश में, काला जादू, काली विद्या, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्यार को कैसे ले आएंगे वापस? तो इस पे ये पिक्चर जुदा होकर भी बनी। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है, और ऑडियंस तो ये है, ऑडियंस तो वो है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मैंने, और जुदा होके भी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और अगर आप जुदा होके भी ना देखें तो आपकी आपकी बदकिस्मती है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मेरे 30 सालों में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने फिल्म मिस कर दी तो कुछ समय बाद बहुत दुख होगा। Darling, let's go. Let's go. Last week was a very important part of the movement, you know, the way you asked you to be on the movement. What was your first reaction? Do you think it's a good start in the industry? Sorry, I couldn't hear you. You know, the makers of the movement, the makers of the film, which asked you to be on board, casting plays a very important part. What was your first reaction? And do you think it's a good start in the industry? तो मुझे याद है विक्रम सर एट कॉल्ड मी, आई वर्क्ड विद विक्रम सर बिफोर, तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा, वो मुझे माजदा कहते हैं, तो मुझे याद है विक्रम सर ने मुझे कॉल किया था एंड वो मुझे माजदा बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा माजदा ऑफिस आ जा। मैंने कहा सर क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक रोल है तू आ जा। तो आई वेंट टू ऑफिसर, मेरे दिमाग में ये था कि शायद वो एक कोई वेब शो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं, मुझे शायद सोच रहे होंगे हीरो के तौर पे कास्ट करना, तो मैं चला गया। तो मैंने देखा पहले तो महेश सर बैठे थे वहाँ, और महेश सर तो सबको पता ही है इज अ लिविंग लेजेंड, तो थोड़ी फट गई। तो उन्होंने कहा मास्ता आई हर्ड सो मच अबाउट यू, उन्होंने कहा सर आई होप यू हर्ड गुड, तो उन्होंने कहा सिट। 5 मिनट तक वो मेरा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा तू बड़ा पॉजिटिव बंदा है यार, थैंक यू सर, तेरे में यार कुछ है, थैंक यू सर, तू विलेन बनेगा, अरे तू विलेन बनेगा। बोला सर कुछ कैमरा वैमरा डाल के कुछ ये हो रहा है क्या? मैंने कहा नो यू आर विलेन। बोला ओके। उस टाइम पे तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल के निकल गया। लेटर उन्होंने रियलाइज किया मैं विलेन, मतलब देखा विलेन दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मतलब भाई विलेन का रोल मिला है मुझे, उसने कहा करना, क्या पर मैं विलेन मतलब मैंने सोचा भी नहीं है, उसने कहा यार हो जाएगा। फिर वर्कशॉप्स हुए, इवेंचुअली इट केम आउट वेरी वेल। आई माई सेल्फ सॉ द फिल्म अ कपल ऑफ डेज अगो एंड काफ़ी डरावना लग सकता हूँ मैं, थैंक्स टू विक्रम सर एंड माई सेल्फ। राज और इस तरह की कई फिल्में विक्रम की क्रेडिट में हैं, बहुत से प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है, और जब आप इस टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं और जब अपने लिखा होता है द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ राज कम कंपेरिजन बहुत लाजमी सा हो जाता है, क्या उस कंपेरिजन के लिए तैयार है? और यार राज 1920 गुलाम आई थिंक ये सारी फिल्में तो अलग लीग में एक अलग टाइम में बनी थी, जब कोई ये सब कर नहीं रहा था, तब विक्रम सर महेश ये सब यू नो दे वर एक्सप्लोरिंग एंड दे सक्सीडेड। सो वो प्रेशर तो था ही, कि पहला प्रेशर तो ये था यार कि विक्रम भट्ट महेश भट्ट के साथ में काम करना है, मुझे उनको जस्टिस करना है, मुझे इतना अच्छा एक्टिंग करना है कि यार वो खुश हो जाए, मेन तो एज अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देम कि यार उनको ये ना लगे यार कौन आ गया है, मतलब
इसको क्यों लिया, वो एक प्रेशर। आई थिंक फिल्म का जो डेस्टिनी होता है, हर फिल्म की एक डेस्टिनी होता ही है, हर इंसान का होता है, वैसे एक फिल्म की होती है। अगर एक फिल्म डेस्टिन है कि ये सक्सेसफुल फिल्म होगी तो वो हो जाती है। तो ये फिल्म भी अलग है। आई डोंट थिंक ये राज और 1920 इन फिल्मों से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वर्चुअल फिल्म है। हमने एक ही फ्लोर पे रहकर अलग अलग लोकेशंस दिखाकर पूरी फिल्म शूट की है। तो इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स अ फन फिल्म, काफ़ी डरावनी है, काफ़ी सस्पेंस है, लव है, आई थिंक हर इमोशन है। ये टेक्नोलॉजी भी एकदम नई है और एकदम नए तरीके की है, शायद इंडियन ऑडियंस या बहुत से लोगों की वाकिफ ना हो सकता है, ये ना इंडिया से बाहर वाले हो रहा हूँ। आप मानते इसका भी एडवांटेज मिलेगा आपको कहीं ना कमर्शियली, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, यू गेट द बेनिफिट ऑफ। आई थिंक द LED टेक्नोलॉजी, द वर्चुअल टेक्नोलॉजी इज 100% अ गेन फॉर एवरीबडी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब एक्चुअल लोकेशंस पे होते हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देर इज ट्रैफिक, देर इज क्राउड को काम करना, कई बार आप डायलॉग बोलते हो एज एन एक्टर, आप खुद को नहीं सुन पाते हो, आपको पता भी नहीं आपने डायलॉग ठीक कहा है कि नहीं, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई थिंक दिस सॉल्व्स इट कि आप एक स्टूडियो में बैठे हो, सारी दुनिया आपके पीछे और आपके ऊपर है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट, कॉस्ट एफिशिएंट है, टाइम एफिशिएंट है फॉर एक्टर्स स्पेशली। हम लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, हम लोग को डायरेक्टर्स की आवाज़ कई बार लाइव लोकेशंस पे नहीं आती, यहाँ दैट इज़ मच ईजियर। कई बार लोकेशंस कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, कई बार क्लाइमेट इज़ अ प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिटा देता है वर्चुअल वर्ल्ड। एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स विक्रम सर, महेश सर, के सरा सरा, दीज गाइज आर फैंटास्टिक, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई है और आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। और जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब मैं यू नो इस तरह की हॉरर फिल्म में अजय सौदर थिएटर लव मेकिंग सीन भी है आपके वो इतना मुश्किल और आसान कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार लव मेकिंग सीन्स इनिशियली मुझे भी लगा था यार कैसे, यू नो हाउ इज़ इट डन, इज़ इट एक्टर्स कंफर्टेबल होने चाहिए होंगे तो ही तो होता। बट आई रिमेंबर आई थिंक इट वॉज द थर्ड डे और विक्रम सर ने कहा आज तेरा लव मेकिंग है। मैंने कहा सर मैं एक्ट्रेस के सरनेम को भी नहीं जानता। इट इज़ डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी, इट्स लाइक एन एक्ट, इट्स एन एक्ट। तो बड़े एस्थेटिकली दे शूट इट इन अ वे वेर इज़ वेरी एस्थेटिक। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि आई एम गोइंग टू किस हर और आई एम गोइंग टू मेक लव टू हर इन अ वे कि वो टर्न ऑन हो जाए या ऐसा कुछ भी। इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल एन एक्ट। एंड इतना एस्थेटिकली शूट होता है कि वो दिखने में गंदा दिखता भी नहीं है, इट्स ब्यूटिफुल लुकिंग। एंड आई थिंक एक एक्टर के सारे इनहिबिशंस जो होते हैं, सारे जो डर होते हैं अंदर, वो निकल जाते हैं वंस यू डू अ किसिंग सीन इन अ फिल्म। आई थिंक ऑल द जो एक होता है ना कि यार आज मुझे डर लग रहा है, वो निकल जाता है उसके बाद। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अबाउट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट वॉज इन द स्टार्ट LED शूट कर रहे हैं। विक्रम सर ने महेश सर ने कहा कि हम LED शूट कर रहे हैं, मास्टर हम LED शूट कर रहे हैं, हम वर्चुअली क्रिएट करेंगे। मैंने कहा यस, घर गया मैंने बोला LED वर्चुअल वर्ल्ड, कुछ समझ नहीं आया क्या होने वाला है। आई थिंक इन द स्टार्ट सबसे चैलेंजिंग ये था कि मैं सेट पे पहुंचा, कुछ था ही नहीं, प्रॉप्स नहीं थे, लोकेशन एक है, एक बड़ा गोडाउन सा टाइप का जगह। आई एम वंडरिंग कहाँ एक्टिंग करूँ, क्या करूँ भाई, तो सब खाली है। तो दैट वॉज चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि LED पे कैसे एक्ट करना है। मूवमेंट्स बहुत मेजर्ड होते हैं क्योंकि सब कुछ LED पे है। तो मुझे यहाँ से अगर वहाँ जाना है, मुझे यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, मुझे शायद ऐसे जाना पड़ेगा। तो बहुत ही एक थोड़ा एक टेक्निकली सीखना पड़ रहा था वो स्टार्टिंग में। पर हमने कई वर्कशॉप्स किए थे शुरुआत में विक्रम सर के साथ, महेश सर के साथ, तो इट वॉज ईजी देन। बट हाँ, इनिशियली द बिगेस्ट टास्क ऑफ दिस फिल्म वॉज दैट एंड ऑल्सो बिकमिंग द नेगेटिव लीड ऑफ द फिल्म वॉज डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट लुक नेगेटिव। तो मेरे लुक पे कई बार अलग अलग लुक टेस्ट हुए थे एंड also getting into the mood and all was a little task. The film is releasing after 2 days, you know, are you nervous, excited, what message do you want to give to the audience, why they come and be a part of it? यार मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। नर्वसनेस भी है, नर्वसनेस इस बात की है कि ये वर्चुअल फिल्म जो हमने बनाई है, लोगों एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। फिल्म की कहानी वगैरह तो बहुत अच्छा है, आई होप कि लोग ये जो टेक्नोलॉजी है इसे एक्सेप्ट करें, इसे पसंद करें। एंड आई होप ये फिल्म सुपर हिट हो और मेरा कैरेक्टर जो है सिद्धार्थ जयवर्धन का, वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू।